easy, but that. मजा आया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो आप देख सकते हो प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, ये स्टेटस और ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है यूट्यूब के शॉर्ट्स पे, यूट्यूब पे, ठीक है। तो अगर आप भी इस तरीके का एटीट्यूड स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो जैसे मैंने किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देख लेना। आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, वीडियो स्किप करके चले जाओगे तो आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देख लेना। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, एक छोटू सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक आपने अगर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, और वीडियो जाके ज़रूर देखना, और कॉमेंट करके बताना आपको वीडियो किस तरीके का चाहिए, ठीक है। सेकंड चैनल पे जाना, कमेंट करना आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको HD स्टेटस, HD फॉन्ट्स, आपको HD इमेजेस इजीली मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है और एलएडमिशन में इंपोर्ट कर लेना है। अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, एक वीडियो मिलेगा हाउ टू डाउनलोड XML फाइल, उस वीडियो को देख के आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लाइट मोशन को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, इमेज का लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो उस इमेज को आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ऊपर से प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एरो पे क्लिक करना है, नेक्स्ट बिट मार्क पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, इमेज को ऐड करना है, थ्री पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, नेक्स्ट बिट मार्क पे आना है, बाकी पार्ट रिमूव करना है। इसी तरीके से अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बिट मार्क के हिसाब से सभी इमेजेस को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, और आपको यहाँ पे सिंगल बिट मार्क और डबल बिट मार्क भी दिखाई देगा। सिंगल बिट मार्क का मतलब है फर्स्ट इफेक्ट और डबल बिट मार्क का मतलब है सेकेंड इफेक्ट, ठीक है गाइज। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, बिट मार्क के हिसाब से सबसे पहले इमेजेस को ऐड करना है, उसके बाद हम इफेक्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। पहले बिट मार्क के हिसाब से सभी इमेज को ऐड कर लेंगे एंडिंग पॉइंट तक, ठीक है। तो आपको प्लीज़ लाइक करना है और कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि आपको ये स्टेटस कैसा लगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को स्टेटस कैसे लग रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ कर लेना, ठीक है। इस तरीके से अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, बिट मार्क के हिसाब से इमेजेस को आपको यहाँ पे ऐड करना है सबसे पहले, ठीक है। और लास्ट वाला जो रेक्टेंगल इस पर छोड़ देना, इस पर आपको कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, बैक आने के बाद जो शेक इफेक्ट है आपको यहाँ पे शेक इफेक्ट पे जाना है, नीचे आना है, इफेक्ट ऑन इफेक्ट टू देखने को मिलेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑन पे क्लिक करना है, नीचे जो इफेक्ट इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद कॉपी इफेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको बैक आना है, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, एरो पे क्लिक करके फर्स्ट बिट मार्क यानी कि सिंगल बिट मार्क पे आ जाना है, इमेज पे क्लिक करना है, नीचे जो इफेक्ट इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इस तरीके से सिंगल बिट मार्क वाले जितना भी इमेजेस है सभी इमेजेस पे जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। डबल बिट मार्क को छोड़ देना है क्योंकि डबल बिट मार्क पे जो सेकंड इफेक्ट है वो पेस्ट होगा। सिंगल बिटमार्क वाले इमेजेस पे आपको यहाँ पे जो फर्स्ट इफेक्ट आपने कॉपी किया था सिंपल से पेस्ट करना है। इफेक्ट कैसे पेस्ट करना है ध्यान से देख लेना, इमेज को सिलेक्ट करना, नीचे जो इफेक्ट है इस पर क्लिक करना, नीचे आपको थ्री डॉट दिखाई देगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना, पेस्ट इफेक्ट कर देना। इस तरीके से आपको क्या करना है, इमेज को इफेक्ट पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, फिर से आपको यहाँ पे शेक इफेक्ट पे जाना है। अभी आपको यहाँ पे इफेक्ट टू इस पर क्लिक करना है, नीचे जो इफेक्ट इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद कॉपी इफेक्ट कर लेना है, साथ में जितना भी CC है सभी CC को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ऊपर जो प्लस है इस पर क्लिक करके कॉपी 9 लेयर्स कर लेना है। ऐसे आपको बैक आना है, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, ऊपर जो प्लस है इस पर क्लिक करके पेस्ट 9 लेयर कर देना है, ठीक है। जो CC आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, आप देख सकते हो CC ऐड हो चुका है,
ऐड होने के बाद बहुत ही ज़्यादा पूरा HD क्वालिटी में लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पे डबल बिटमर्क वाले इमेज पे जो सेकंड इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है गाइस। डबल बिटमर्क वाले इमेजेस पे सेकंड इफेक्ट जो है आपको पेस्ट कर देना है, आपका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, वीडियो को हाई रेजोल्यूशन करके एक्सपोर्ट कर लेना है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।